महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा के सचिव स अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा के तत्वाधान में राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस महोत्सव वर्चुअल माध्यम से मनाया गया, जिसमें डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री उच्च विद्यालय श्री जैन कन्या पाठशाला उच्च विद्यालय एवं ज्ञान ज्योति आवासीय उच्च विद्यालय के साथ पीरो एवं जगदीशपुर अनुमंडल के विद्यालय के भी बालिकाओं ने वर्चुअल मोड में गूगल मीट ऐप के माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने उपस्थित सभी बालिकाओं को सरकार द्वारा बालिकाओं के हित में चलाई गई योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, उड़ान योजना, लाडली योजना हरियाणा सरकार तथा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा एवं उत्थान योजना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। आगे सचिव ने बालिकाओं को शिक्षा एवं अन्य क्षेत्र के महत्व के बारे में बताया, साथ ही साथ देश महिलाओं की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। इस वर्चुअल महोत्सव में मिस पूजा कुमारी मुंसिफ, मिस काजल सोनावाला, न्यायिक दंडाधिकारी मिस स्वास्ति यादव, न्यायिक दंडाधिकारी एवं सुश्री निधि नवनीत, न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित थी। काफी अच्छी जज है और इनको हमने आपसे इंट्रोड्यूस इसलिए किया कि आपको इंस्पिरेशन मिले कि किस तरह से लड़कियां सारे ऑड्स होने के बावजूद भी इतनी ऊंचाइयां ले रही हैं। आज हम अभी चार ऑफिसर तीन ऑफिसर्स के साथ बैठे हुए हैं और इन तीनों को हम इसलिए इनवाइट किया कि आप देख करके इंस्पायर हो सके कि एक लड़कियां गर्ल चाइल्ड जब जजेस बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कल्पना चावला है अभी जस्ट इंडियन आर्मी में लड़कियों को कमीशन ऑफिसर का सैंक्शन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको। अभी जुडिशियरी में सब जगह जुडिशियरी में पहले बहुत कम लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं रिजल्ट कि वुमेन गर्ल एम्पावरमेंट का क्या नतीजा है। तो इस चीज को देखते हुए सबसे पहले हमारा जब एंशियंट टाइम था तो उस समय लड़कियों का औरतों का पोजिशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही विदुषी थी। इवन कि महिषी में शंकराचार्य को हराई थी महिला और सब कुछ होते हुए, लेकिन बीच में कुछ कुरीति हमारे समाज में आ गया जैसे दहेज का, भ्रूण हत्या का, इन सब कारणों से बेटियों को पाया समझा जाता था। इन सबको समाप्त करने के लिए 1937 से लगातार कानून बनाया जा रहा है और 2005 में इनहेरिटेंस के लॉ में सेक्शन 6 में चेंज ला करके लड़की और लड़का को बराबर कर दिया गया। अब पिता की संपत्ति में भी जिस तरह से भाई को सब हिस्सा मिलेगा उसी तरह से एक बेटा मान के एक यूनिट के रूप में बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। और अब आर्मी में है सभी जगहों पर लड़कियां काम कर रही हैं। अब आपको एक बहुत ही एक्सेलेंट जुडिशियल ऑफिसर जो कि पिछले 3 साल से यहाँ पर जस्टिस कर रही हैं और काफी लोकप्रिय हैं, उनको अनुभव के लिए और उनके विचार के लिए आपसे बात करवाते हैं पूजा कुमारी से। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में की गई थी। इस दिन को इसलिए चुना गया कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी आज ही के दिन प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। इसीलिए नारी सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है। बात यहाँ ये उठती है कि हमें नारी सशक्तिकरण को मनाए जाने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि इसका अर्थ ही यही है कि हमारे समाज में जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां महिलाएं हैं, उनकी जो स्थिति है उसमें असमानताएं हैं। हमारे घर से ये चीजें शुरू होती हैं कि बेटी 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 को बेटे से ये सोच लेना कि ऐसा अभी नहीं हो रहा है ये गलत होगा। अभी भी बहुत सारी ऐसी समाज में चल रही हैं बातें जो कि दिखती नहीं है लेकिन है, जिनमें बच्चियों को मारना, बच्चियों के साथ अलग व्यवहार करना, बेटा बेटी में फर्क करना, बातों बातों में फर्क कर देना कि हाँ ठीक है ये तो मेरा राजा बेटा है ये ऐसे करेगा, अच्छा वहां बेटी तो पढ़ाई धन है, बेटी तो दूसरी जगह जानी है,
ये घर पे तो रहेगी नहीं, तो इसके लिए अभी इतना क्यों करें। ये सब सोचना, ये सब सोच के वजह से हम लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है, जितने भी विद्वान हुए हैं वो लोग